subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग कोशिशें तो करते हैं, ट्राई तो करते हैं, लेकिन कई बार हमारी कोशिशें समय पर सफल नहीं हो पाती। जी हाँ, आज भी वही हुआ है इस वीडियो के साथ भी कि हम समय पर इस वीडियो को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन तकनीकी खामियां हमें बार बार इस वीडियो को लाइव करने से रोक रही थी। लेकिन लाख बुराइयों की बात भी अच्छाई रहती है, यानी कि कोशिशों पर हमने विजय पाई। कुछ समय इसमें ज़रूर लग गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज यूट्यूब चैनल पे। LIC की बात करें, IBPS PO की बात करें, रेलवे की बात करें, RBI की बात करें, सारे एग्जाम आपके एक के बाद एक लाइनअप हैं, आप सभी जानते हैं। कुछ एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि बैंकिंग के एग्जाम, IBPS PO, IBPS क्लर्क, तो इन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लास्ट या लेटेस्ट 3 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम आपके ऐसे भी हैं जैसे कि रेलवे है, LIC की बात करें, यहां पर 6 महीने या उससे ज्यादा की करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है। आप सभी की डिमांड रही भी है और काफी समय से आप सभी के साथ मैं रूबरू नहीं हो पाया। जितने भी लोग मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए, जी हाँ, ओल्ड फॉर्मेट में आपको PDF मिल जाएगी इस सेशन की समाप्ति के बाद, तो परेशान मत होइएगा सत्यम जी, ओल्ड फॉर्मेट में ही सारे प्रश्नों की आपको PDF मिल जाएगी। आज इस सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, बस एक सेशन यहां पर 1:30 बजे लगा दिया जो कि तकनीकी खामियों की वजह से थोड़ा सा डिले से स्टार्ट हुआ। 600 MCQ की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, आपके एग्जाम में करंट भी पूछा जाता है और स्टैटिक भी पूछा जाता है। जी हां, पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करता हूं तो आपके सभी करंट अफेयर्स, और जैसा कि एग्जाम का ट्रेंड रहा है, नए एग्जाम के ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं, जो कि हम लोगों ने एग्जाम रिव्यू में देखा कि करंट के साथ साथ स्टैटिक का भी अच्छा खासा बोलबाला रहता है, तो करंट के साथ साथ हम स्टैटिक MCQs को भी देखेंगे। लेकिन इस क्लास की मैं बात करूं तो यह क्लास आपको TTS में ही मिलेगी, यानी कि ट्यूजडे T4, ट्यूजडे नेक्स्ट T4, ये थर्सडे हो जाएगा, और एज फॉर सैटरडे यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ये क्लास हफ्ते में 3 दिन चलेगी, जिसमें हम मैक्सिमम MCQs को कवर करने का प्रयास करेंगे। एक हफ्ते में 3 क्लास, तो आप समझ गए होंगे विद इन 2 मंथ्स या विद इन 1 मंथ से ही अंदर हम लोग सारे के सारे 600 से भी ज्यादा MCQ की ये सीरीज है, ये कंटिन्यू रहेगी। आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, तो आप सभी का स्वागत है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से कि ब्राइटनेस को, बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर दें, ठीक है, ताकि बच्चे और बेहतर तरीके से यहां पर दिखें। कुमोद कुमार यादव जी, ओल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी PDF, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं, 10 से 15 मिनट हमारे पहले ही वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अब यहां पर देर नहीं करेंगे। पवन पहाड़िया जी, भूगोल भी शुरू करेंगे लेकिन उसमें थोड़ा समय लग रहा है, आप सभी के लिए क्वालिटी कंटेंट भी देना है, इसके अलावा इन क्लासेस को भी प्रोवाइड कराना है, समय की थोड़ी सी कमी है लेकिन जल्द ही उसे भी शुरू करने की कोशिश की जाएगी। ईशानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बस एक चीज मैं आप सभी से चाहूंगा, मैं आप सभी के लिए काफी प्रयास कर रहा हूं और इस सेशन का मेरा दावा है कि इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद विद इन 45 मिनट का यह सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग 40 से भी ज्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस सेशन के खत्म होने के बाद मेरा दावा रहेगा कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे जो आपको दूसरे सेशन में नहीं मिलेगी। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, मैंने आप सभी के लिए लेकर आया हूं, बहुत मजा आएगा, बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। याद रखिएगा, TTS में हर दोपहर 1:30 बजे 1:30 पर, TTS में 1:30 पर ये क्लास आपको लाइव यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सभी तैयार हैं तो यस लिखकर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो यहां पर बिल्कुल तैयार हूं आप सभी के साथ इस सेशन के साथ। बस जल्दी से गुरु दक्षिणा के तौर पर सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं चाहूंगा मैक्सिमम कैंडिडेट, एक गुरु के तौर पर मैक्सिमम कैंडिडेट इस सेशन में जुड़े, इससे ज्यादा मेरे लिए प्रसन्नता की बात कुछ नहीं होगी। तो जो शेयर वाला ऑप्शन आप सभी को नजर आ रहा है ना, शेयर वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करके फेसबुक पर एक बार जल्दी से शेयर कर दो, और जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, केवल गुरु दक्षिणा के तौर पर, कोई देखे चाहे ना देखे, बस अपना इतना फर्ज मेरे लिए निभा देना। और मैं डिसलाइक वाला सेक्शन भी देख रहा हूं, डिसलाइक कुछ ज्यादा हो गए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, डिसलाइक को कम कर दीजिए, क्योंकि दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ लाइक्स और बढ़ जाते इस सेशन में। तो मेरा दर्द कम कीजिए, लाइक्स की संख्या बढ़ाइए। शुरुआत करते हैं पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो कि आप सभी के सामने ये रहा। कौन सा देश अपने कल्याणकारी बजट को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बजट को लेकर क्वेश्चन है, लेकिन यह जो क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर्स से है। बजट की अगर मैं बात करता हूं, आप सभी आंसर देते रहिए, साथ ही साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता जाऊंगा। बजट की अगर मैं बात करता हूं तो
आर्टिकल नंबर 112 बजट का, आर्टिकल नंबर 112 बजट से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट तो आपको पता ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि भारत में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। भारत के बजट की बात करते हैं तो भारत में जो बजट चलता है वो डेफिसिट बजट चलता है। कैसा बजट चलता है? डेफिसिट बजट चलता है, मतलब घाटे का बजट चलता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। कल्याणकारी बजट क्या होता है ये भी बताऊंगा। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में इसे शुरू किया है। और क्या इंफॉर्मेशन है जल्दी से? गंगा मिश्रा जी बिल्कुल सही कहा आपने, गगन मिश्रा जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुछ इंफॉर्मेशन भी साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। हमने यहां पर यह देखा है कल्याणकारी बजट, वेल बीइंग बजट को शुरू करने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड। ओके, आर्टिकल नंबर 112 भारत के बजट से जुड़ा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को कहा जाता है भारत में, याद रखेंगे। और भारत में डेफिसिट बजट, घाटे का बजट चलता है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, वेल बीइंग बजट के बारे में, तो याद रखिएगा जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि लोगों की आयु बढ़ जाए, वो ज्यादा लंबे समय तक जिए, एजुकेशन का लेवल बढ़ जाए, एयर क्वालिटी, ये सब इस बजट का हिस्सा है। इस बजट में इन चीजों पर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, खर्चे रखे गए हैं, वो मेंटल हेल्थ को देखकर रखे गए हैं, लोगों की इंडिजीनियस व्यक्तिगत जो वेलफेयर है, उनका जो कल्याण है उसको यहां पर ध्यान में रखा गया है। इसी तरह का एक बार एक इनिशिएटिव हमारे पड़ोसी मुल्क भूटान ने भी लिया था, जब भूटान ने 2008 में जीडीपी कॉन्सेप्ट को हटाकर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को शुरू किया था। वहां पर जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, वहां पर माना यह जाता है कि अगर इंसान जितना ज्यादा खुश है वह देश उतना तरक्की कर रहा है। तो वेलबींग बजट का मतलब हुआ ऐसी चीजों पर खर्चा करना सरकार का जो कि लोगों के लिए कल्याणकारी हो, लोगों के लिए वेलफेयरेबल हो। ओके, अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न का आंसर यहां पर क्या होगा? न्यूजीलैंड ने प्लास्टिक बैन किया, बिल्कुल मैं आपको यहां पर देख पा रहा हूं आपके यहां पर भारत में पहला बजट, सुशील कुमार जी बिल्कुल सही कहा, विल्सन ने शुरू किया था, बिल्कुल सही है। लाइफ एक्सपेक्टिंग इन इंडिया 68 के आसपास, वेरी गुड। सबसे ज्यादा बार बजट सुशील कुमार जी, मोरारजी देसाई ने पेश किया है टोटल 10 बार बजट पेश किया है इंडिया में, 8 बार यूनियन बजट को पेश किया है, 2 बार अंतरिम बजट को पेश किया है, 10 बार टोटल मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा राजस्थान, यह राजस्थान का लोक नृत्य है, एक नंबर आपका पक्का होगा, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान के। और दूसरे लोक नृत्यों की अगर मैं बात करता हूं तो घूमर है, कालबेलिया तो मैंने आपको वहां पर बता ही दिया, गैर डांस है, इसके अलावा छारी डांस भी है जो कि राजस्थान के लोक नृत्य है। तो लोक नृत्यों को छोड़ना नहीं है, घूमर है, कालबेलिया है, गैर डांस है, छारी डांस है, ये भी राजस्थान के आपके लोक नृत्य है, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखते हैं कितने लोग आंसर करेंगे। WHO ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए इस वर्ष किस राज्य सरकार को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को पुरस्कृत के लिए उनको पुरस्कृत करने के लिए चुना है? तो किस राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू के नियंत्रण के लिए WHO के द्वारा पुरस्कार देने के लिए चुना गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी साथ ही साथ शेयर करते हुए चलेंगे। हाँ, घूमर राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बताइए राजस्थान यहां पर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा राजस्थान को ही। अभी हमने राजस्थान का एक लोक नृत्य देखा और राजस्थान को ही WHO के द्वारा यहां पर सम्मानित करने की बात की गई है। WHO की बात जहां भी आएगी याद रखिएगा, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल को जब WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको बताना कि 7 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा महत्वपूर्ण दिन 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, जिस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था? टाइप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। WHO के अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें तो कुल 194 मेंबर कंट्रीज हैं WHO के, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से बताइए 7 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है? मैं चाहूंगा मुझे स्क्रीन से हटा दिया जाए टेक्निकल टीम। यहां पर एक फिगर है आप सभी के लिए, एक यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में अगर हम बात करते हैं अडल्ट की, यानी कि युवाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने प्रतिशत, अगर हम 15 साल से ऊपर के युवाओं को देखें तो आप देख सकते हैं उसमें कितने मेल हैं। ये मेल का कलर है,
ये फीमेल को इस कलर से डोनेट किया गया है और ये टोटल है। तो आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत लोग 15 साल से ऊपर की उम्र में, एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 17 में ये लोग स्मोकिंग या फिर जो टोबैको है उसका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग 13 से 15 साल के बीच में देखें तो भी आप यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हैं। और सेकेंड हैंड स्मोक, शायद कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन लगे कि सर सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है। सेकेंड हैंड स्मोक का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो स्मोकिंग कर रहा है या टोबैको यूज कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो उसके धुएं की वजह से सामने जो व्यक्ति स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसके पास भी तो धुआं पहुंचता है। हाँ या ना, यस और नो? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास स्मोकिंग करने वाला जब व्यक्ति होता है तो उसका धुआं हमारे सांसों तक भी पहुंचता है और उसको हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। इसकी संख्या भी आप देखिए किसी भी ग्रुप में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी के साथ डिस्कस करना है और क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, तंबाकू के 31 तारीख को एंटी टोबैको डे, वेरी गुड। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए, फेस टू फेस लेगा टेक्निकल टीम, क्वेश्चन अलग ही फ्रेम किया है। क्वेश्चन तो मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व होता है, लेकिन क्वेश्चन मैंने ये फ्रेम किया है कि मई के महीने में कौन सा दिन नहीं होता है या नहीं मनाया जाता है। कुछ दिन मनाए जाते हैं, कुछ दिन ऑब्जर्व होते हैं। जैसे कि क्रिसमस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं तो 4 फरवरी कैंसर डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व का मतलब यहां पर हम जागरूकता से ले सकते हैं, बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाता है, तो हर दिन वहां पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता। नहीं तो कैंसर डे के दिन अच्छा थोड़ी लगेगा, हाँ भैया कैंसर डे की बधाइयां, आपको भी कैंसर हो हमें भी कैंसर हो, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो हर दिन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। बताना यह है कि मई के महीने में, क्योंकि शुरुआत हम लोगों ने करंट अफेयर्स की मई के महीने से की है, तो आपको बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट डे मई के महीने में नहीं मनाया जाता। महाराष्ट्र डे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं और अगर इंटरनेशनल लेबर डे की बात कर लेते हैं तो ये दोनों ही दिन एक ही दिन सेलिब्रेट होते हैं और वो दिन है मई 1। 1 मई के दिन महाराष्ट्र दिवस भी सेलिब्रेट होता है और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी सेलिब्रेट होता है, तो ये रॉन्ग हो गए। इसके अलावा तंबाकू विरोधी दिवस एंटी टोबैको डे, यहां पर किसी ने लिखकर बताया था सर 31 मई को होता है, तो बिल्कुल अगर ये 31 मई को होता है तो ये यहां पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर बनेगा वर्ल्ड मिल्क डे, और वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट होता है या ऑब्जर्व आप कह लीजिए दूध के महत्व को समझने के लिए, जून एक वर्ल्ड मिल्क डे। बाकी सभी मई में आते हैं, तो कौन सा डे मई में नहीं मनाया जाता, कैसा लगा प्रश्न लाइक थंब पर प्रेस करके बताइएगा। प्रश्न अच्छा लगा, इस तरह के प्रश्न से आपने एक बार में 1 2 3 4 अलग अलग क्वेश्चंस आपने एक बार में यहां पर डिस्कस कर लिए, तो मजा आया नहीं इस तरह की क्वेश्चन फ्रेमिंग का, लिखकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, तो करेक्ट आंसर वर्ल्ड मिल्क डे हो जाएगा, ये जून 1 को होता है ना कि मई के महीने में। ओके, अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत और किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी देखरेख सूची से हटा दिया है। द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैज रिमूव्ड इंडिया एंड विच कंट्री फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, मई के महीने की ही ये खबर है। ओके, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ही है ये, वर्गीज कुरियन, सुशील कुमार जी कह रहे हैं वर्गीज कुरियन भारत में दुग्ध क्रांति के जनक है, बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अमूल की स्थापना की थी, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल का फुल फॉर्म भी टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, चलिए बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर बनेगा स्विट्जरलैंड, ब्लैक मनी का हब है। इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों को मुद्रा निगरानी की जो देखरेख सूची है, मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट है, उससे हटा दिया था, याद रखेंगे। जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट क्या होती है, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने रिलीज किया था सेमी एनुअल, जो कि हर 6 महीने में रिलीज होता था, व्हेन इट हैज टू ट्रैक डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमी है, देश है, उन पर उन्होंने रिसर्च की, उसके हिसाब से उन्होंने पाया कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर वो ध्यान रखते थे, है ना, कि दुनिया भर की जो दूसरी करेंसी है उनका जो एक्सचेंज रेट है वो कहां जा रहा है। तो उसमें इंडिया भी शामिल था, चाइना, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया को भी इसमें शामिल किया था, लेकिन हाल ही में इंडिया और स्विट्जरलैंड को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है, जिसे लास्ट अक्टूबर के महीने में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा में, अब देखिए मई के महीने में ही चुनाव का रिजल्ट आया था, याद होगा मई के महीने में ही चुनाव का रिजल्ट आया था, 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसी पर आधारित एक प्रश्न है कि हम सबसे अधिक संख्या में महिला सांसदों को हमने 17वीं लोकसभा में ही देखा है, तो 17वीं लोकसभा जो कि मई के महीने में कंडक्ट हो गए, चुनाव कंप्लीट हो गए, कुल कितनी महिला सांसद चुनी गई। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं,
आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। रवि जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ओके ओके, बताइए करेक्ट आंसर। 17वीं लोकसभा में कुल कितने, तो याद रखेंगे टोटल 78 यहां पर महिलाओं को चुना गया है। 17वीं लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं, हाईएस्ट नंबर है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का, या यू कहें कि वुमेन जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, जो संसद में बैठती हैं, उनका हाईएस्ट ये रेशियो है। एक डेटा भी है मेरे पास, इसको समझ लीजिएगा, नॉलेज और बढ़ जाएगी। नॉलेज आपको ये बढ़ानी है कि टोटल 279 जो भारत के संसदीय क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें कम से कम एक महिला एमपी को चुना गया। 264 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कभी भी 1962 से लेकर 2019 तक कभी भी किसी महिला को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चुना गया। 78 वुमेन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेर इलेक्टेड इन 2019। और अगर परसेंटेज की बात करता हूं तो यह परसेंटेज पहुंचती है, यानी कि टोटल जितने भी उम्मीदवार जो चुने गए हैं, कुल उम्मीदवारों का लगभग 14% महिलाएं 2019 के, या यूं कहें कि 17वीं लोकसभा चुनाव में चुनी गई हैं। और अगर 1962 से लेकर अभी तक की बात करूं तो टोटल 617 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वुमेन अभी तक चुनी जा चुकी हैं। अगला प्रश्न, स्मृति ईरानी अमेठी, इतिहास रच दिया, इतिहास रच दिया स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी रायबरेली हर बार इतिहास रचती हैं। वेरी गुड, सुशील कुमार जी काफी एक्टिव हैं। मैं चाहूंगा कि सुशील कुमार जी की तरह आप सभी भी और ज्यादा यहां पर फैक्ट्स को रखें, ताकि जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं या पहली बार महेंद्रा यूट्यूब चैनल पर आए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर गेन करके जाएं और उन्हें पता लगे कि महेंद्राज में पढ़ने वाले, इस यूट्यूब चैनल के साथ चलने वाले स्टूडेंट, उनकी नॉलेज का लेवल क्या है। IMD की अगर हम लोग बात करते हैं, उसने विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो रैंकिंग होती है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या रैंकिंग भी आप इसे कह सकते हैं, उसमें भारत की जो इकॉनमी है, कौन से नंबर की दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव इकॉनमी है, प्रतिस्पर्धा। अलग अलग कंट्रीज होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के बीच में प्रतिस्पर्धा भी होती है, तो भारत कौन से नंबर की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली क्या है, कंट्री है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जबकि टॉप की बात करें तो सिंगापुर टॉप पोजीशन पर है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। आपको बतानी है इंडिया की रैंकिंग, मैं बताता हूं, नंबर वन पोजीशन पर है सिंगापुर, नंबर सेकंड पर है हांगकांग, नंबर थर्ड पर है यूएसए, नंबर फोर्थ पर है स्विट्जरलैंड और नंबर पांच पर है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। पहली बार टॉप फाइव में शामिल हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडिया की रैंकिंग। ऑप्शन आप सभी के सामने है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा 43। इसके अलावा जितने भी यहां पर मैंने ऑप्शंस रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, क्वेश्चंस को मैंने ऐसे ही फ्रेम नहीं किया है, आपको वो नॉलेज मिलनी चाहिए जिसकी आपको दरकार है, क्योंकि एग्जाम में माइंड को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन करके ले जाना है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो 46 नंबर पर किस रैंकिंग में रहा है इंडिया, 63rd नंबर पर किस इंडेक्स में रहा है इंडिया, 52nd नंबर पर कौन से इंडेक्स में रहा है इंडिया, और 95th नंबर पर, क्योंकि ये वो पोजीशन है जो कि भारत की अलग अलग रैंकिंग्स की पोजीशन है। तो टॉप फाइव कंप्लीट किया, अब इन टॉप फोर को भी कंप्लीट करते हैं। भारत 46वें स्थान पर रहा है वर्ल्ड स्ट्रेस इंडेक्स में, जो कि पानी के अभाव के लिए है, वाटर स्ट्रेस मतलब कि पानी की कमी के सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है, 46वें पायदान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 63rd पोजीशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 52nd पोजीशन, और ग्लोबल जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स भारत है 95th पोजीशन पर। यहां तक सारी बातें क्लियर रही हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स की, तो भारत के 11 शहर दुनिया के टॉप 20 शहरों में शामिल है जहां पर पानी का सबसे ज्यादा अभाव है। बात हो रही है यहां पर वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के बारे में। जबकि अगर मैं ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स की बात करूं, तो भारत की रैंकिंग 2019 में कौन सी थी, 77th। भारत 77वीं पोजीशन पर था 2019 में। भारत ने कुल 14 स्थानों की छलांग लगाकर 63वें पायदान पर भारत यहां पर पहुंच गया। यहां तक सारी बातें क्लियर रहीं। ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुल 129 देशों में जो भारत की रैंकिंग रही है, वो रही है टोटल 129 पॉइंट। यहां तक क्लियर रहा आप सभी को, तो एक बार इसे लेकर बताइएगा। और अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो यह एडिशन के तौर पर 12th इंडेक्स थी, और इस इंडेक्स को भारत के न्यू दिल्ली शहर में ही लॉन्च किया गया था। तो इनमें से कौन सी इंडेक्स भारत के न्यू दिल्ली शहर में लॉन्च की गई थी,
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या है 52nd, भारत की रैंकिंग क्या है 52nd, स्ट्रेस इंडेक्स 46, 63rd, सब चीजें आपको मैंने बता दी हैं, एक के बाद एक बहुत सारी चीजें बनती हुई चलेंगी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, ये आपकी जिम्मेदारी है। पीडीएफ अपलोड करा दिया जाएगा, वहां से भी आप सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। यहां तक सेशन पसंद आया हो तो जिसने भी अभी तक लाइक ना किया हो, अभी सर क्लियर नहीं हुआ शुरू से बताइए, अनिल कुमार जी शुरू से बताने वाला कोई काम नहीं। देखो ध्यान से समझो, 46 ये किसकी इंडेक्स है, स्ट्रेस इंडेक्स, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स यानी कि पानी की कमी, 63rd पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है वह किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, टाइप करके बताएंगे सभी लोग। जब तक मैं इस स्टूडेंट को उनकी इंफॉर्मेशन बताता हूं, आप सभी ये बताएंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या रैंकिंग किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। 52nd नंबर पर है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में और 95th पोजीशन पर है ग्लोबल जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स में। ठीक है, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी को, जितने लोगों को क्लियर हुआ हो वो लोग यहां पर यस लिखकर जरूर बता दें, और जिसने लाइक ना किया हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न, माउंट अंगोग ये एक ज्वालामुखी है या किस देश में स्थित है, क्वेश्चन ये क्यों पूछा जा रहा है, ये भी क्लियर हो जाएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। किशन ठाकुर जी बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। इतना आसान आंसर है तो क्लियर है सबको, वेरी गुड, सभी ने आंसर यहां पर वर्ल्ड बैंक दिया है। जो लोग वर्ल्ड बैंक के अलावा आंसर दे रहे हैं, जैसे कि उपासना जी आंसर दे रहे हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो गलत हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चीजों को करेक्ट करते हुए चलेगा। करेक्ट आंसर की यहां पर बात करें, इंडोनेशिया में ये लोकेटेड है, और यह क्यों मैंने यहां पर रखा है समझ लीजिएगा यहां पर ध्यान से। माउंट अंगुक की बात करते हैं तो हाल ही में इस ज्वालामुखी में इरप्शन हुआ है, मतलब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कहां है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में किस आइलैंड पर है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बाली आइलैंड, उस आइलैंड है, उस आइलैंड पर यह लोकेटेड है, और यह बाली आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, बाली आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अंगुग जो ज्वालामुखी है, और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। माउंट अंगुग को गुगुंग अंगुग नाम से भी जाना जाता है, और यह एक एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब इसमें अभी भी लगातार लावा निकल रहा है, पॉइंट क्लियर है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज की बात करें, ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं की अगर मैं बात करता हूं तो ये इंडोनेशिया में कॉमन है, दिखती ही रहती हैं। एज कंट्री सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशंस रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर एरिया में लोकेटेड है। मैं अभी आपको इमेज के माध्यम से भी दिखाऊंगा रिंग ऑफ फायर लोकेशन क्या है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। इंडिया कहां है सर, इंडिया भैया ये रहा रिंग ऑफ फायर, ये रहा आपका पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के चारों तरफ आप यहां पर ये जो प्लेट्स देख रहे हैं, इन प्लेट्स के बीच में अभी भी कोलिजन जारी है, टकराव जारी है। इसकी वजह से इन सभी एरियाज पर जो आप रेड कलर का एरिया देख रहे हैं, ये पूरा इलाका दुनिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी एक्टिव इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के आसपास के इलाका भी इसी पे पड़ता है, और यही कारण है कि इंडोनेशिया में इस तरह की चीजें आम है। 75% ऑफ वॉल्केनोज दुनिया के लगभग 75% जो वॉल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी है, और मोर देन 750 आर लोकेटेड अलोंग द रिंग ऑफ फायर। तो दुनिया के लगभग 75% से भी ज्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो अकेले रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में पाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें कि 90% ऑफ अर्थक्वेक ऑकर अलोंग द प्लेट्स, और दुनिया में 90% से भी ज्यादा जो आपका भूकंप आते हैं वो इन्हीं इलाकों में आते हैं जो आप चारों तरफ ये लाइन देख रहे हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट हैं उनमें अभी भी मूवमेंट होता है इन सभी इलाकों में। तो इस तरह से अगला प्रश्न, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देखता हूं क्या आता है। सुशील कुमार, इटली का एलेना सबसे सक्रिय सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। यह क्वेश्चन सर बीपीएससी में पूछा था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। अंजलि कुमारी बता रही है कि सर यह क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि इस साल जो कॉफी का प्रोडक्शन है इंडिया में वो
टोटल जो प्रोडक्शन जितनी उम्मीद की थी कॉफ़ी का उससे आधा ही रहने वाला है, क्योंकि बेमौसम बारिश ने कॉफ़ी की जो फसल है इंडिया में वो ख़राब कर दी है। पिछले साल भी कॉफ़ी की फसल इंडिया में ख़राब हुई थी, तो ये लगातार दूसरा ऐसा साल है जब कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन इंडिया में पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा कर्नाटका, ये नंबर वन पोजिशन पर है, जबकि केरला नंबर सेकेंड पोजीशन पर। आप देख सकते हैं भारत में मोस्टली जो आपके साउथ के स्टेट्स हैं यहाँ पर आपकी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, और थोड़ी बहुत कॉफ़ी आप ईस्टर्न स्टेट्स में भी देख सकते हैं लाइक असम। ओके, सबसे ज़्यादा भारत में अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य में ही कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। टोटल प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है उसका 80% प्रोडक्शन अकेले कर्नाटका में होता है, याद रखेंगे। इंडिया रैंक्स प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द फाइनेस्ट रोबस्टा। कॉफ़ी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, रोबस्टा कॉफ़ी है, अलग है, जैसे कि अरेबिका कॉफ़ी है। तो इंडिया में दुनिया की सबसे बेहतरीन रोबस्टा कॉफ़ी और अरेबिका जो कॉफ़ी है उसकी खेती होती है, तो ये दोनों नाम याद रखेगा कॉफ़ियों के। नियरली 70% ऑफ इंडियाज़ कॉफ़ी इज़ एक्सपोर्टेड। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितना भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है कॉफ़ी का उसका 70% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में और एशियन मार्केट में, याद रखिएगा। भारत में कॉफ़ी की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक तौर पर वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में और चिकमंगलूर और कोडगु कुर्ग वायनाड किसका संसदीय क्षेत्र है ये टाइप करके आप बता सकते हैं मुझे। इसके अलावा शिवरॉय हिल्स और नीलगिरी की पहाड़ियों पर मोस्टली जो कॉफ़ी है इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। वायनाड किसका संसदीय क्षेत्र है ये आपको टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, वेरी गुड, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगला क्वेश्चन मैंने इमेज के माध्यम से फ्रेम किया है, लिखा नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, आपको बताना है कॉफी पर बात हो रही है, कितने लोगों को कॉफी पसंद है जरा ये भी लिख के बताना। हैप्पी इंटरनेशनल कॉफी डे कॉफी लवर्स के लिए है, बताना आप सभी को है। कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है, तो जब कॉफी की बात हो रही है तो कॉफी के बहाने इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए कि हैप्पी इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है। सुशील कुमार जी बता चुके हैं कि जो वायनाड का इलाका है, जो वायनाड संसदीय क्षेत्र है, वो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। अमेठी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और वायनाड से भी चुनाव लड़ा था जो कि केरल में है, और अमेठी से उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया, लेकिन वायनाड से वो जीत गए। जब से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है तब से कांग्रेस पार्टी का ही यहाँ पर राज है। ओके, चलिए बताइए करेक्ट आंसर यहां पर होगा 1st of October। जल्दी से गूगल कर लिया, मुझे लग रहा है गूगल कर लिया गया है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1963 में हुई थी। चलो सर बहुत बढ़िया, ये पॉइंट भी हमें पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना 1963 में हुई थी। सर पूछ रहे हैं इसका मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है, ऑप्शन आपके सामने है। आई लाइक कॉफी अंकुश कुमार जी, ओहो आई लाइक 1st October एंड कॉफी, वेरी गुड। मैं भी कॉफी काफ़ी पसंद करता हूँ, कॉफ़ी की जो स्मेल होती है वो ऐसा माना जाता है कि मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन लिमिटेड ही कॉफ़ी पीनी चाहिए, 3-4 कप नहीं, 1-2 कप इनफ है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए। ओके, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए अगला यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। चलिए करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 2, लंदन। लंदन में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। मैंने कंफ्यूज करने का प्रयास किया इस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्राजीलिया, जो कि कैपिटल है ब्राजील की, और आप सभी जानते हैं कि ब्राजील में दुनिया का सबसे ज्यादा जो कॉफी है उसका प्रोडक्शन होता है ब्राजील में। इसीलिए देखिए मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर दिया है ब्राजीलिया, और मुझे पता था आप लोग इसका आंसर गलत करोगे। ब्राजील सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन ब्राजील में होता है, तो कैपिटल होगी ब्राजीलिया, यही हेडक्वार्टर होगा, लगा दिया, गलत है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। करेक्ट कीजिए जितने भी लोगों ने ब्राजीलिया यहां पर आंसर किया है। ओके, करेक्ट करो। अगला क्वेश्चन बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का शीर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो स्रोत है वह कौन सा देश है, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि FDI जो पिछले कुछ सालों में आई है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो FDI इंडिया में आया है उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वह कौन सा देश रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। लंदन, ओके लंदन करेक्ट। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, सिंगापुर। और सिंगापुर ने किस पर्टिकुलर कंट्री को पछाड़कर यहां पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो आप देख सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है वो सिंगापुर से अब मॉरिशस के मुकाबले डबल हो चुका है, यानी कि जितना मॉरिशस पहले निवेश इंडिया में करता था उसका लगभग डबल निवेश सिंगापुर ने भारत में करना शुरू किया है। ये अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट है, जिसे मई में पब्लिश किया गया था, जिस पर यह प्रश्न बनाया गया था।
FDI और FII दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर भारतीय कंपनी में FDI की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी भारतीय कंपनी की टोटल कैपिटल में इंडिया में अगर 10% से ज़्यादा का निवेश होता है तो उसे हम FDI की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर निवेश इन्वेस्टमेंट 10% से कम है तो हम उसे FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर कीजिएगा कि किस राज्य सरकार ने 1 जून से 5% से ऊपर का जितना भी GST स्लैब है, 12% है, 18% है, 28% का जो GST स्लैब है जो कि 5% से ऊपर है, के साथ वस्तुओं और सेवाओं पर अब 1% एक्स्ट्रा आपको बाढ़ उपकर देना होगा, यानी कि फ्लड सेस देना होगा। फ्लड सेस एक तो होता है टैक्स, टैक्स सीधा सीधा कर आपको देना है, और टैक्स के ऊपर भी अगर कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम उपकर बोलते हैं, यानी कि सेस बोलते हैं। बाढ़ से प्रभावित आपका बिहार भी रहा है, महाराष्ट्र भी रहा है, केरला भी रहा है, और इन राज्यों में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई के लिए ये लोग सेस के माध्यम से 1% एक्स्ट्रा सेस लेंगे, और इसे फ्लड सेस कहा गया है, जिसका करेक्ट आंसर है केरला। याद रखें, कुछ लोग बिहार भी आंसर करेंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा, केरला ने अभी इसे स्टार्ट किया है, याद रखेंगे। फ्लड सेस यानी कि बाढ़ से या बाढ़ के लिए लगाया उपकर, ठीक है, एम्ड एट राइजिंग दी फंड्स टू रीबिल्ड दी स्टेट, यानी कि इस राज्य को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसा लिया जा रहा है जनता से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिवास्टेटिंग फ्लड, बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी अगस्त 2018 में, और इस टैक्स को, इस सेस को 1 जून से अप्लाई भी कर दिया गया है, और अगले 2 सालों के लिए यह सेस लगाया जाएगा, लेकिन यह सेस रेलवे सर्विसेज पर और मूवी टिकट्स पर अप्लाई नहीं होगा। केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू इंपोज एडिशनल सेस ऑन GST आफ्टर इट वाज इंप्लीमेंटेड। हम सभी जानते हैं कि GST को इंप्लीमेंट किया गया था जुलाई 2017 में, और जुलाई 2017 में GST की इंप्लीमेंटेशन होने के बाद पहली बार किसी राज्य सरकार ने GST की टैक्स स्लैब के ऊपर कोई सेस लगाया है। ओके, सेस की बात करें तो टैक्स ऑन टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी विशेष पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे कि बाढ़ की वजह से राज्य तबाह हुआ तो दोबारा से राज्य को खड़ा करना है, पैसा चाहिए, इस उम्मीद में, इस उद्देश्य से यह सेस लगाया गया है। अगला प्रश्न, 1 जुलाई GST डे, बिल्कुल करेक्ट है, रीजनिंग की क्लास है 2:30, यानी कि 2:30 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, तो परेशान नहीं है, 15 मिनट अभी भी मेरे पास है। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इस वर्ष 28 मई को वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो याद रखेंगे 136वीं जयंती वीर सावरकर जी की मनाई गई, 144वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी की 144वीं जयंती 31 अक्टूबर को मनाई गई, और इसी साल 150वीं जयंती महात्मा गांधी जी की मनाई गई। यह पॉइंट आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन मैंने इसलिए फ्रेम किया है क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान सावरकर को, वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात की, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने काफी हो हल्ला भी किया था। वीर सावरकर की बात कर लेते हैं तो इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 के दिन भागुर नाम के गांव में नासिक महाराष्ट्र के पास। ये इंडिया हाउस नामक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे और इन्होंने स्थापना की अभिनव भारत सोसाइटी की भी और फ्री इंडिया सोसाइटी की भी। तो ये दो सोसाइटी आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन दो सोसाइटियों को स्थापित किया था वीर सावरकर ने, अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी, याद रखेंगे। वीर सावरकर ने दो देशों की थ्योरी को भी स्थापित किया, उनकी एक किताब थी, किताब का नाम था हिंदुत्व, किताब का नाम क्या था, हिंदुत्व, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को दो अलग अलग देश देने का समर्थन किया गया था, और 1937 में हिंदुत्व नामक किताब और उसके एजेंडे को हिंदू महासभा के द्वारा पास भी किया गया था, एक रेजोल्यूशन के माध्यम से, एक प्रस्ताव के माध्यम से। वीर सावरकर, वीर सावरकर के नाम पर उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, या भारत के किस शहर में है, किस टाउन में है, किस कस्बे में है, उसका नाम टाइप करके बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। सुशील कुमार जी, 144वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 150वीं जयंती महात्मा गांधी की, और 550वां पर्व, 550वां जो पर्व है वह नवंबर के महीने में गुरु नानक देव जी के नाम पर सेलिब्रेट किया जाएगा। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में लोकेटेड है, टाइप करके बताएंगे। अगला प्रश्न, भारत ने 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के कुल कितने देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था, ऑप्शन आपके सामने है। अंडमान निकोबार में नहीं, सुशील कुमार जी सीधा बोलिए पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर,
ओके, हिंदुत्व किताब का नाम किससे जुड़ा हुआ है? वीर सावरकर से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, टोटल 6 देशों को बुलाया गया था, क्योंकि बिम्स्टेक की अगर मैं बात करता हूं तो बिम्स्टेक में कुल 7 कंट्रीज हैं, और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म में एक बार आपको ओरली बता देता हूं, बी से आपको याद रखना है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म ये रहेगा। कुल कितने देश इसमें शामिल हैं? 7 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, इंडिया को हटा दे तो बचे हुए 6 कंट्रीज, 6 देशों को यहां पर बुलाया गया था, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड को। मुझे आप सभी ये बताएंगे कि इसका परमानेंट जो सेक्रेटरिएट है, यानी कि सचिवालय है, स्थायी जो इसका सचिवालय है, वह किस शहर में लोकेटेड है? इंडिया में नहीं है, किस शहर में और किस कंट्री में लोकेटेड है बिम्स्टेक नामक 7 देशों के समूह का स्थायी सचिवालय किस शहर में? टाइप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, ओरछा शहर की बात करेंगे तो ओरछा शहर की जो स्थापत्य विरासत है को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। आपको यह बताना है कि ओरछा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ ओरछा टाउन हैज बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव डेट्स होती है ना एग्जाम की, टेंटेटिव डेट संभावित तिथियां, तो संभावित सूची में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, यानी कि आने वाले समय में इसे हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ओरछा शहर भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में लोकेटेड है, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ओरछा की बात आ ही गई है, जो कि अपने स्थापत्य के लिए इतना जाना जाता है, तो आपको यह भी बताना होगा कि ओरछा शहर जो कि मध्य प्रदेश में बुंदेलों के जमाने का, बुंदेली राजाओं का एक शहर है, उन्हीं के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो आपको बताना यह है कि किस बुंदेली राजा के द्वारा इसे बनवाया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सेशन पसंद आया हो और अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो, गुरुदक्षिणा के तौर पर कर दो भैया, जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी ज्यादा खुशी आप मेरे चेहरे पर देखेंगे, तो टीचर को खुश रखना तो आप सभी की जिम्मेदारी है ना। बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। राजा छत्रसाल, ये भी एक बुंदेली राजा रहे हैं, इनकी बेटी का नाम था, आप सभी को याद होगा, मस्तानी, जिनका विवाह हुआ था, अपने वो मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, बाजीराव पेशवा, साउथ इंडिया है ना, मराठा, तो ये वही है, छत्रसाल की बेटी थी, राजा छत्रसाल, जो कि बुंदेला थे, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक बुंदेलखंड का इलाका है, वहां के राजा हुआ करते थे। करेक्ट आंसर याद रखना है, रुद्र प्रताप सिंह, ओरछा शहर। ओरछा शब्द का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन, छिपा हुआ या हिडन, याद रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा स्थापना की गई वो हमने आपको बताया, रुद्र प्रताप सिंह। अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तीन ऐसी साइट हैं मध्य प्रदेश में, तीन ऐसी लोकेशन हैं जो कि हेरिटेज हैं और यूनेस्को में शामिल हैं। एक तो भीम बेटिका की गुफाएं हैं, इसके अलावा सांची का स्तूपा है और खुजराहो के मंदिर हैं, जो कि भारत में 37 जो इंडियन हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा विश्व विरासत सूची भारत में 37 हैं और तीन इनमें से जो साइट है वो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए इसके साथ सारी चीजें क्लियर होती हुई चल रही होंगी, है ना, क्वेश्चंस के अलावा भी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए मैंने यहां पर रखी है, तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा। अगला प्रश्न, सनी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, अभिनेश कुमार जी, सर जी आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते, आप आंसर दीजिए, मैं आपका नाम जरूर लूंगा। देखिए क्या है कि 500 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, सभी के आंसर तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अभी मैं फ्री हूं, मैं यहां पर देखने को तैयार हूं, जैसी क्वेश्चन बोलूंगा मेरी नजर कॉमेंट बॉक्स पर होगी, आंसर करते हुए चलिएगा। करेक्ट आंसर की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि जिस मिसाइल को सतह से जमीन से ही मार किया और वो जमीन पर ही मार करती है, सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं मैं उनके बारे में आपको तब तक बता देता हूं, जैसे कि है पृथ्वी मिसाइल। और आप सभी जानते हैं भारत में जो पृथ्वी मिसाइल का सिस्टम है वो टोटल 3 है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, सबकी अलग अलग रेंज भी है। इसके अलावा भारत में एक और मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल आपकी टोटल 5 है, 6 बन रही है, अंडर डेवलप है। तो अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है आकाश मिसाइल, तो आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, और याद रखिएगा इसकी जो मारक क्षमता है वह 30 किलोमीटर तक की है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके करंट डायरेक्टर कौन है, टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में, उन्हें हाल ही में एक अवार्ड भी दिया गया था। अगला प्रश्न,
भारत ने वर्ष 2022 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब जो पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है या अक्षय ऊर्जा जिसको हम कह लें, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके लिए जो अपना लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, वह कितने गीगावाट का टारगेट रखा है, क्योंकि हाल ही में इस टारगेट को रिवाइज किया गया था। 2022 तक हमें अपनी स्वच्छ ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का जो गीगावाट का टारगेट है बढ़ाकर कितना लेकर जाना है। पहले जो लक्ष्य रखा गया था वह रखा गया था 100 गीगावाट, पहले जो लक्ष्य रखा गया था वो था 100 गीगावाट, अब इसे कितना बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है। ओके, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 4, 75 गीगावाट यहां पर बढ़ा दिया गया है, बस इसका नंबर याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के, मुझे जरा यहां से स्क्रीन से हटा दीजिएगा टेक्निकल टीम। अब आपको यहां पर देखिए प्रश्न का आंसर करना है, प्रश्न में यह है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत और उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि हम लोग मई की अभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, 6 महीने में से मई मंथ को डिस्कस कर रहे हैं और मई के महीने में ही 17वीं लोकसभा चुनाव का इलेक्शन कंप्लीट हुआ था और सरकार बनी थी, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 370 तो सर खत्म ही कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान वाला था। ओके, आर्टिकल 280 भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है, वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 324 भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 374 भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और आर्टिकल 15 आपको याद होगा, एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, जिसमें जात पात भेदभाव ऊंच नीच के लिए प्रावधान है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न फेस टू फेस ले आएगा, सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में विलय करने का निर्णय लिया है। बचपन से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बचपन नहीं, जब से आप सभी ने तैयारी करना शुरू किया है, और आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा नेशनल इनकम, आप सभी जिन भी कोचिंग में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, आप सभी ने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा होगा, और नेशनल इनकम में आपको सीएसओ और एनएसएसओ के बारे में बताया गया होगा, ये पॉइंट आपको क्लियर है ना। तो सरकार ने एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दोनों को मर्ज करने की बात की है, और ये मर्ज करने की जो बात की है वो की थी 23 मई को एक ऑर्डर पास हुआ था सरकार की तरफ से, 23 मई को एक ऑर्डर पास हुआ था सरकार की तरफ से, उसके तहत, जरा मुझे हटा दीजिएगा स्क्रीन से, आपको बताना है कि अब मर्जिंग के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ऑफिस बनेगा, उसे किस नाम से जाना जाएगा। जल्दी से टाइप करें कमेंट बॉक्स में, मुझे 2 मिनट के लिए स्क्रीन से हटा दीजिएगा, कुछ यहां पर लिखना है। ओके, धन्यवाद। चलिए, करेक्ट आंसर की यहां पर बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछता है कि एनएसएसओ अब तो हटाया जा रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और सीएसओ की अगर मैं बात करता हूं तो 1951 में स्थापित हुआ था, 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और 1951 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दोनों को मर्ज करके। अब मुझे जल्दी से मंत्रालय का नाम बता दीजिए कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके, किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के तहत ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे, और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि एनएसएसओ के नेशनल और सीएसओ के स्टैटिस्टिकल ऑफिस को मिलकर बनाया गया है, किस मंत्रालय के तहत काम करेगा, टाइप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न फेस टू फेस ले आएगा, रीजनिंग वाली मैम का आगमन हो चुका है इस स्टूडियो में और उनका मैं स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। आप सभी का भी स्वागत है, क्योंकि व्यूअर्स की संख्या 550 पहुंच चुकी है, और 550 से मुझे गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व, जो कि 550वां प्रकाश जो पर्व मनाया जाएगा, जो कि सिख कम्युनिटी है वो समझ रहे होंगे इस बात को, और करतारपुर कॉरिडोर का जो इनॉग्रेशन है वो उसी दिन होना है उनके तत्वाधान में। अगले 5 से 6 प्रश्न मैंने आप सभी के लिए जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर फ्रेम किए हैं, मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 5 प्रश्न हैं जो कि जम्मू कश्मीर के स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर पूछे गए हैं, बताना है जम्मू कश्मीर राज्य का पहला गवर्नर। 3 मिनट के अंदर 5 प्रश्न यहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर रीजनिंग की क्लास शुरू होगी। जम्मू कश्मीर का पहला गवर्नर याद करते हुए चलेगा, कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर थे, जो कि कभी राजा रहे हरि सिंह के पोते रहे हैं। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, ऑप्शन आप सभी के सामने है। अभिनेश जी सर आप ऐसा पढ़ाते हैं, मतलब कैसा पढ़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। क
कर्ण सिंह जी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आधिकारिक भाषा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, करंट आंसर उर्दू बनेगी। बाकी सभी वहां की रीजनल लैंग्वेज तो हैं लेकिन उर्दू वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखना है। अगला प्रश्न, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर की दो राजधानी रही है, समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल। समर के एस से याद रखना है श्रीनगर, विंटर कैपिटल हो गई जम्मू। श्रीनगर एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। यह किस नदी के किनारे लोकेटेड है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछे आते हैं, तो याद रखिएगा झेलम नदी के किनारे लोकेटेड है आपका श्रीनगर शहर। ब्यास रिवर की बात करते हैं तो आप सभी ने कुल्लू और मनाली का नाम सुना होगा, तो ब्यास नदी के किनारे कुल्लू और मनाली भी आपके लोकेटेड है, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डोंगरी नहीं है, डोंगरी आठ जो भाषाएं हैं, आठ जो लैंग्वेज हैं उसमें डोंगरी शामिल है, जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत शामिल थी, लेकिन उर्दू वहां की आधिकारिक भाषा है। करेक्ट कीजिएगा जितने भी लोग यहां पर डोंगरी बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर पर ही है और जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, किश्तवाड़ डाचीगम हेमिस नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। बताओ करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। हेमिस नेशनल पार्क वहां पर हिम तेंदुओं के लिए भी जाना जाता है, स्नो लेपर्ड के लिए भी जाना जाता है, और हेमिस नेशनल पार्क कुल आपका 4400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। बाकी के तीन भी जम्मू कश्मीर में स्थित ही नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर के राज्य का राजकीय फूल कहा जाता है या उसकी मान्यता उसको प्राप्त है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। राजकीय फूल, स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रख लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोटस, कमल के फूल। बीजेपी पार्टी ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया तो कमल इस तरह से आप याद रख सकते हैं। माइंड मत कीजिएगा, कोई भी राजनीति से जोड़ के इसको मत देखिएगा, याद ना आए कभी तो याद रखिएगा कि 370 किसने हटाया, बीजेपी गवर्नमेंट। फूल फूल कमल का फूल, करेक्ट आंसर राजकीय फूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर के राजकीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है, राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल। हिल फॉक्स, हिमालयन ब्राउन भालू, कश्मीर स्टेग उसे हंगुल भी कहते हैं, कस्तूरी हिरण, मस्क डियर। करेक्ट आंसर सबको पता है, कश्मीर लगा है तो कश्मीर स्टेग, और कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में केवल हंगुल दे देगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए केवल हंगुल दे देगा, कश्मीर स्टेग नहीं लिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, करेक्ट आंसर वहां पर हंगुल ही होगा। अगला प्रश्न, दो प्रश्न और बाकी हैं, इनमें से कौन जम्मू कश्मीर के राजकीय पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड के रूप में जानी जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर बनेगा काली गर्दन वाला क्रेन। मैं इमेज तो नहीं लाया हूं लेकिन गूगल में बहुत सारे प्रश्न गूगल किए होंगे ना, तो ये भी गूगल करके उसकी इमेज देख लेना। काली गर्दन वाला ब्लैक नेक्ड क्रेन वहां का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष भी पूछ सकता है, राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री जो कि वहां पर काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर होगा चिनार के वृक्ष वहां पर राजकीय वृक्ष हैं, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। सेशन को फास्ट मोड में चलाने के लिए माफी चाहूंगा, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक ना किया हो, कोशिश कीजिए अगर मुझे इस लायक समझा हो तो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के फेसबुक तक पहुंचना मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी उम्मीद है, और मुझे लगता है कुछ लोग मेरी इस उम्मीद को बरकरार रखेंगे और मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे इस वीडियो को देख पाएंगे और हमारी कम्युनिटी और बढ़ेगी। करेक्ट आंसर की यहां पर बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में सर गुगली खेल गए, ये सभी के सभी जो झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में ही हैं, यानी कि नन ऑफ दीज यहां पर करेक्ट आंसर होगा। कई आंसर लगा रहे हैं कुछ और नहीं, सभी के सभी जम्मू कश्मीर में हैं, गुगली डाल दी सर ने। अंतिम गेंद पर आप बोल्ड होते हैं और आप पवेलियन की तरफ लौट सकते हैं क्योंकि इस सेशन की होती है समाप्ति। अगले थर्सडे को हम इसमें मिलेंगे सेशन में दोबारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि TTS यानी कि ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं चाहूंगा अगर हो सके तो मैम भी हमारे साथ यहां पर जुड़ जाएं, अपने स्टूडेंट्स अगर दो वार्तालाप करना चाहती हूं तो ट्यूसडे, 600 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को इस सेशन को हम लोग लाइव करेंगे, लाइव चलाएंगे 1:30 PM पर यह सेशन आप सभी का यहां पर लाइव होगा। उम्मीद है आप नेक्स्ट सेशन में भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बार यस लिखकर जरूर बताइएगा अगर आप नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं थर्सडे के दिन 1:30 PM।
बिल्कुल। तो सर भाई जैसा कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारी करंट अफेयर्स और क्विज लेकर आए हैं, जैसा कि सर का थंबनेल है कि भाई 600+ आपको एमसीक्यूज यहां पर मिलेंगे, तो जैसे आप लोग सर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वैसे ही नेक्स्ट शो में हमारे बिल्कुल साथ मैम भी की अगर मैं कनेक्ट क्लास की बात करूं, धमाकेदार बिल्कुल जोरदार क्लास रहती है। रीजनिंग अकेले जीएस करंट अफेयर से काम नहीं बनेगा, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। एक बार जितने भी स्टूडेंट ने इस क्लास को ना देखा हो, मैम के एक बार कॉन्सेप्ट को देख के देखिए, कवर पेज से कभी जज मत कीजिए, किताब को पढ़िए, तभी आप बेहतर चीजों को जान पाए। सर देवनंदन जी यहाँ पूछ रहे हैं पीडीएफ नहीं मिलता है, एक बार आप बता दें इनको। पीडीएफ कुछ डिले हो जाता है, लेकिन भरोसा रखिए हमारे ऊपर और इस चैनल के ऊपर, आपको अभी बज रहा है लगभग 2:30, मैम का सेशन बस स्टार्ट होने वाला है, 4 बजे तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा ओल्ड फॉर्मेट में। सभी को मैं मेल कर दूंगा, सभी लोग लिख दीजिएगा सर पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पर्सनली वहां पर लिंक सेंड कर दूंगा, लिख दीजिएगा। आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास रीजनिंग की जुड़ना मत भूलिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.